हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के जो है रिजल्ट में प्रॉब्लम दिख रहे हैं, जिसका हर कोई जो है अपना रिपोर्ट कार्ड, जिनके रिपोर्ट कार्ड में प्रॉब्लम है वो हमें सेंड कर रहा है। वो पूछ रहे हैं कि मैम इसमें क्या हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि मार्क्स भी सही है, सब कुछ सही है, फिर भी फेल या पास या फिर RD, ये क्या लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है। सो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में समझेंगे कि ये क्या हुआ है, यूनिवर्सिटी ने ऐसा क्यों किया है। सो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो। अगर आप बीएड के क्लासेस लेना चाहते हैं पेड क्लासेस, तो बिहार यूनिवर्सिटीज के पेड क्लास चल रहे हैं। अवध यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का पेड क्लास चल रहा है, साथ ही साथ CCS यूनिवर्सिटी का जो है 4 और 5 जनवरी को स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो नंबर दिया गया उससे करवा सकते हैं। बात करते हैं रिजल्ट को। सबसे पहले मैं आपको एक दो रिजल्ट दिखा रही हूँ जो आप खुद भी देखोगे, आप लोगों का भी ऐसा ही हुआ होगा। तो इस रिजल्ट में क्या है कि स्टूडेंट पास है, बिल्कुल उनका कहीं भी कोई भी मार्क्स फेल में नहीं है। कंपेयरिंग जो मार्क्स दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ पास है, 400+ जो है वो मार्क्स भी आया हुआ है, सब कुछ है। लेकिन साइड में जो रिजल्ट स्टेटस दिखाता है वो हाँ लिख रहा है फेल RDEEN, ठीक है। तो ये क्या है, पहला ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये क्या है। किसी किसी स्टूडेंट में जो है मार्क्स बहुत अच्छा है, 82% है, लेकिन फिर भी साइड में जो है पास लिख रहा है लेकिन वहां पे भी RD लिख दे रहा है, तो ये इसका मीनिंग क्या है। तो ये सभी चीजें आप लोग मुझसे पूछ रहे हो, हमारे ऐसे बहुत सारे पेड स्टूडेंट के साथ ऐसा 2-3 जो स्टूडेंट है जिन्होंने, जिनके मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं लेकिन फिर भी ऐसा हुआ है उनके साथ, तो उन्होंने भी हमें मैसेज किया, उन लोगों ने भी कॉलेजेस में बात की है अपने, वो सभी चीज़ें भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ ये RD का मीनिंग क्या होता है। देखो RD का मतलब होता है रिजल्ट डिटेन्ड। ये आपको जो है यहाँ पर एक देख सकते हो स्क्रीन में, आपके स्क्रीन में ये दिखाई दे रहा होगा। रिजल्ट डिटेन्ड कब किया जाता है, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है। अगर हिंदी में मैं इसका मीनिंग आपको बताऊँ तो इसका मतलब होता है परिणाम को रोका गया है, मतलब रिजल्ट को जो है रोका गया है। रोकने का रिजल्ट यानी रिजल्ट डिटेन करने का रीजन क्या क्या हो सकता है। पहला रीजन होता है, हो सकता है द रोल नंबर इन आंसर सीट इज नॉट करेक्ट। जो रोल नंबर आपने 5 आपका जो है ना सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट थे उसमें से कोई सब्जेक्ट में रोल नंबर करेक्ट नहीं लिखा गया होगा, इसलिए पहले तो रोल नंबर करेक्ट नहीं होगा तो, या फिर 2 आंसर सीट जो है सेम रोल नंबर के मिल गए होंगे इसलिए रोका जाता है, ठीक है। या फिर जो है प्रीवियस ईयर्स के जो मार्क्स होते हैं या इंटरनल मार्क्स होते हैं या इस तरह के कोई भी जो मार्क्स होते हैं वो आप लोगों का नहीं भेजा गया है, नहीं फाउंड हुआ है इसलिए। तो ये 3-4 रीज़न की वजह से जो है RD यानी रिजल्ट को डिटेन किया जाता है, ठीक है। अब हमारे एक स्टूडेंट ने जो है अपने कॉलेज में बात की है, उनके कॉलेज वाले क्या बोल रहे हैं वो अभी आप देख सकते हो। वो वहाँ पे उन्होंने भी लिखा है कि मैम बात हुई है, कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि वो सही कर देंगे, कॉलेज वाले जो है इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम सही कर देंगे, एंड ये काफ़ी स्टूडेंट के साथ हुआ है। तो कॉलेज वाले जो है वही बात करेंगे यूनिवर्सिटी से कि आखिर में क्या हुआ है और क्यों ऐसा जो है रिजल्ट आया है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को सबसे पहले तो अपने कॉलेज से कांटेक्ट करना है कि सर मेरा सभी सब्जेक्ट में जब पास है तो ये RD क्यों हुआ है, मतलब मेरा रिजल्ट क्यों रोका गया है, पहले आपको रीज़न जानना है। कॉलेज वाले रीज़न बताते हैं तो सही है, अगर नहीं बताते हैं तो फिर आपको यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करना पड़ेगा, और जितनी जल्दी आप इसमें जो है एक्शन लोगे उतना ज़्यादा बेटर आप लोगों के लिए रहेगा। मोस्ट ऑफ जगहों पे जो है कॉलेज इंटरफेयर कर रहा है और कॉलेज जो है खुद से अपनी तरफ से ठीक करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर आपकी तरफ से जो है कॉलेज नहीं करता है तो आपको यूनिवर्सिटी में बात करनी पड़ेगी। ये RD का मतलब जो है रिजल्ट को रोका गया है, रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन क्यों रोका गया है ये रिजल्ट में क्लियर नहीं रहता, ये आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से या फिर कॉलेज वाले ही बता सकते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी जो है इसमें एक्शन लीजिए, या तो कॉलेज जाइए, यूनिवर्सिटी जाइए, वहां पता कीजिए रीजन क्या है, फिर उसके बाद से जो भी अगर आपका प्रॉब्लम होता है तो आप इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें मैसेज कीजिएगा। डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने का अपने लेवल से ट्राई जरूर करेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस।